नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप फील्ड में हो, या फिर आप डिजाइनिंग सेक्शन में हो, तो ये उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट को एज पर IS 456 के हिसाब से तीन ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप है ऑर्डिनरी कंक्रीट, दूसरा है स्टैंडर्ड कंक्रीट, तीसरा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। पहले ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। पहला ग्रुप है ऑर्डिनरी कंक्रीट, उसमें M10 से लेके M20 तक के ग्रेड है। M का मतलब है मिक्स, 10 का मतलब है उसकी मिक्स की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जब हम 150 बाय 150 बाय 150 mm क्यूब में कंक्रीट फिलअप करते हैं और उसको 28 डेज तक क्योरिंग करते हैं, 28 डेज के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 10 आती है, तो उसे हम M10 कहते हैं। और ये 10 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही है कंक्रीट की, ठीक है। उसका प्रोपोर्शन क्या है? 1:3:6। 1 मतलब सीमेंट, 3 मतलब सैंड, और 6 मतलब एग्री। मतलब हम 100 kg सीमेंट लेंगे तो उससे 3 गुना सैंड लेंगे, मतलब 300 kg, और उससे 6 गुना सीमेंट से 6 गुना ज़्यादा एग्रीगेट लेंगे, मतलब 600 kg, ठीक है। उसी तरह हम M15 ग्रेड है उसका मिक्स प्रोपोर्शन लेंगे, 1:2:4, मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड और 4 पार्ट एग्रीगेट। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आएगी 28 डेज के बाद? 15। अगला ग्रेड है M20, उसका मिक्स प्रपोजल है 1:1.5:3, मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट, और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज के बाद आएगी 20। ये प्रपोजल आपको याद रखने चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है और फील्ड में भी आपको ये बहुत ही काम आएगा, तो ये प्रपोजल आप नोट कर लीजिए। दूसरा ग्रुप देखते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट, उसमें M25 से लेके M55 तक के ग्रेड है। पहला हमने देखा ऑर्डिनरी कंक्रीट, उसमें M10 से लेके M20 तक के ग्रेड थे। इसमें M25 से लेके M55 तक के ग्रेड है। M25 का प्रपोजन है 1:1:2, मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 1 पार्ट सैंड और 2 पार्ट एग्रीगेट का। उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या आएगी? 25, 28 डेज के बाद। आप यूनिट खास नोट कर लेना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये काफी बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। M30 से लेके जितने भी ग्रेड है उसके मिक्स को हम डिजाइन करते हैं, मतलब हमें डिजाइन करना पड़ता है, खुद ही सीमेंट सैंड और एग्रीगेट के रेशियो डिसाइड करना पड़ता है, और उसको 150 बाय 150 बाय 150 का कंक्रीट क्यूब होता है, उसमें कंक्रीट फिलअप करके 28 डेज के बाद, 28 डेज तक क्योरिंग करके 28 डेज के बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, मतलब उसकी कैंप उस जो मिक्सर हमने बनाया था उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 आती है, तो उसे M30 ग्रेड कहते हैं। और मान लो कि उस हमने जो मिक्सचर बनाया है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 आती है, तो उसे हम M50
50 ग्रेड कहेंगे। ठीक है, तीसरा ग्रुप देखते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, उसमें M60 से लेके M80 तक के ग्रेड लिए हैं। ठीक है, तो पहला ग्रुप हमारा था ऑर्डिनरी कंक्रीट, दूसरा ग्रुप था स्टैंडर्ड कंक्रीट, तीसरा ग्रुप था हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी हमें जान लेने चाहिए ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में। पहला है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी इज M20। ये आपको याद रखने चाहिए, M20 ग्रेड होता है आरसीसी का मिनिमम ग्रेड, उससे कम हम आरसीसी में यूज नहीं कर सकते। M20 टू M40 ग्रेड्स आर यूज्ड फॉर आरसीसी। M20 से लेके M40 ग्रेड तक ही आरसीसी में यूज होता है, वो भी कंडीशन के हिसाब से। हमारी माइल्ड कंडीशन है तो हम M20 ग्रेड यूज करेंगे, अगर मान लो एक्सट्रीम कंडीशन है तो हम M40 ग्रेड आरसीसी में यूज करेंगे। M40 और हायर ग्रेड इज यूज्ड फॉर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। M40 से लेके बाकी सारे ग्रेड है M80 तक के, वो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में यूज होते हैं। तो ये सब ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में जानकारी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।